वंदे मातरम, वंदे मातरम। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो अंतिम हिंदू सम्राट कहलाए, उनके मूल स्थान पर तारागढ़ पर आज उनके नाम से एक ध्वज लहराने यहाँ पूरा दल आया है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती के उपलक्ष्य में विश्व के पहले किले अजय मेरू तारागढ़ दुर्ग पर ध्वजारोहण किया गया। सनातन धर्म रक्षा संघ और अजय नीरू 84 को सेवा परियोजना समिति, सेवानिवृत्ति सैनिक परिषद, अनेकों सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी द्वारा साध्वी अनादि सरस्वती के मुख्य आतिथ्य में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का झंडा तारागढ़ दुर्ग के मुख्य द्वार पर लगाया गया। सबसे पहले मैं पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज पृथ्वीराज चौहान की जयंती है और विशेष तौर पर अजमेर के नागरिकों को, क्योंकि अजमेर का पृथ्वीराज चौहान से बहुत बड़ा नाता रहा है। वो यहाँ के शासक रहे हैं। अजय मेरू केवल अजमेर शहर तक ही सीमित नहीं था, ये आबू पर्वतमाला से लेकर और दिल्ली तक की जो आपकी अरावली पर्वतमाला था वो अजय मेरू के रूप में जानी जाती थी। उसका शासक हिंदू अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान था। आज तारागढ़ दुर्ग पर उन पृथ्वीराज चौहान का ध्वजा फहराकर एक नया इतिहास रचा गया है, जो कि इतिहास में भी इतिहास होगा कि पृथ्वीराज चौहान अजय मेरू के राज शासक होते हुए भी उनका झंडा तारागढ़ पर नहीं फहराया गया, परंतु आज के दिन विभिन्न संगठनों ने मिलकर विशेष तौर पर सनातन धर्म रक्षा संघ राजस्थान की ओर से यह आयोजन रखा गया और झंडा फहराया गया, जिसमें हमारी स्वामी अनादि सरस्वती संत के रूप में सानिध्य प्राप्त रहा। राजस्थान प्रदेश महाध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह जी जो राउत महासभा के अध्यक्ष हैं, सिंधी समाज के अध्यक्ष डॉक्टर थदानी जी और अनेक सभी समाजों के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और जो आज का भव्य आयोजन दुर्ग पर किया गया, जिसमें कि मुस्लिम वर्ग ने भी वंदे मातरम, भारत माता की जय हो और पृथ्वीराज चौहान जिंदाबाद अमर रहे, इस नारों ने ये साबित कर दिया है कि हमारे जो पूर्वज पृथ्वीराज चौहान थे, कहने को अलग अलग धर्म जाति के लोग हम हो सकते हैं, परंतु हम यदि मूलतः उपजाएँ तो सनातन धर्म हमारा है और सनातन धर्म में जो भी लोग हैं वो सब हिंदू और सनातनी हैं। इसलिए हमने इस चीज़ का भी प्रचार किया कि जो हमारे अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे वो केवल सनातनी ही नहीं थे, सूरवीर भी थे और उन्होंने बहुत युद्ध किए और उनकी सूरवीरता पूरे जग में जाहिर है। अंत में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि सनातन धर्म से पूरा विश्व संपन्न और सुखी रह सकता है, इसलिए सनातन धर्म की ही पालना की जानी चाहिए। और वैसे भी एक ही धर्म है और जो बाद में धर्म आए हैं वो भी उसी धर्म में से निकले हुए धर्म है। पूजा पद्धति अलग हो सकती है परंतु वो सभी सनातन धर्म है और प्रारंभ से ही ये सनातन धर्म चलता आ रहा है। हम ये जो आज का आयोजन हुआ है, हम इसमें मीडिया के और जो भी अजमेर के वासी हैं, संगठन के निवासी हैं, और विशेष तौर पर इस कार्यक्रम को हमने राजनीति से इतना दूर, कोसों दूर रखा गया है, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं आने दी, इसी कारण से ये हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं इसमें सबका दिए गए सहयोग का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अजय शर्मा, अध्यक्ष सनातन रक्षा समिति राजस्थान। मेरे ईश्वर को प्रणाम। हम जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए कितना गर्व का और सम्मान का विषय है। हमें सदैव अपने पूर्वजों के शौर्य पे, वीरता पे गर्व होना चाहिए और अपने इतिहास में अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को संस्कार, संस्कृति और परंपरा का ज्ञान जब हम देंगे तो हमारे देश कभी भी असुरक्षित नहीं रह सकता। हमारे यहाँ ऐसी पीढ़ियाँ तैयार होती रहेंगी। आप सबसे ये विषय छुपा नहीं है, देश में किस तरह से अंदर बैठे दुश्मनों से जितना ज़्यादा खतरा है उतना बाहर के दुश्मनों से नहीं है, क्योंकि संस्कार उनमें नहीं डाले जा रहे, क्योंकि उन्हें परंपराएं नहीं बताई जा रही, क्योंकि उनके अंदर त्याग तपस्या उत्पन्न नहीं की जा रही। जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान का निर्माण हुआ, जिस तरह से शिवाजी का निर्माण हुआ, जिस तरह से विवेकानंद का निर्माण हुआ, उस समय विवेकानंद 500 वर्ष पूर्व जब भारत गुलाम था, अमेरिका जाकर किस तरह से भारतीय संस्कृति, संस्कार और परंपराओं का डंका बजा रहे थे, पृथ्वीराज चौहान ने किस तरह से शूरवीरता के साथ, ताकत के साथ और पराक्रम के साथ भगवान की सेवा तो की पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये त्याग की भावना क्या आज हम अपने बच्चों में देखते हैं? क्या हम अपने अंदर ही देखते हैं? क्या हमारे को वास्तव में ऐसा होता है कि रात को नींद नहीं आती और हम खड़े हो जाते हैं ये सोच के, इस चिंता में कि हमारे देश में चल क्या रहा है? मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी, चाहे यहाँ पे कांस्टेबल खड़े हो, चाहे पुलिस प्रशासन खड़ा हो, चाहे फौजी खड़े हो,
चाहे हमारे इज्जत साहब हो, चाहे हमारे डॉक्टर साहब हो, हर व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति का एक नैतिक उत्तरदायित्व है। यहाँ हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहन रहते हैं, मैं कहती हूँ उनका भी उतना ही उत्तरदायित्व है, क्योंकि हम सब एक देश की भूमि पे बैठे हैं। हमारा सगा कोई नहीं है, कोई नहीं काम आने वाला हमारे, हम ही एक दूसरे के काम आएंगे, साथ ही रहना है और एक दूसरे की देखभाल करनी है। कोई साथ नहीं आने वाला, कोई देख लेने वाला, हम और आप में से कोई मरता है तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। तमाशेबाजी और राजनीति करने वाले 50 नाटक और तमाशेबाज आ जाएंगे के लिए, आपकी मौत के ऊपर राजनीति करने के लिए लोग आ जाएंगे, पर आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा और आपके परिवार को भी कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए सम्मान के साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान को जिंदा रखना, अपने पूर्वजों का सम्मान करना और संगठित रहना, अपने अंदर की इंसानियत को नहीं मरने देना, सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का, उस धर्म को जिंदा रखना, तभी हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, तभी हम और आप सुरक्षित है, तभी देश शांति की बात कर सकता है। नहीं तो आप शांति छोड़ दीजिए, शांति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। हमारी और आपकी पीढ़ी तो निकल जाएगी, आने वाली पीढ़ियां आपस में एक दूसरे को काट के खाएंगी, कोई देखने वाला, कोई बोलने वाला, हमारे जैसा कोई बोलने वाला भी नहीं होगा, कोई नहीं बोलेगा, किसको मतलब है, क्यों बोले, क्यों फालतू की पंचायतों में दिमाग लगाए, कोई नहीं बोलेगा। इसीलिए हमारा उत्तरदायित्व है कि हम ऐसी पीढ़ियां तैयार करें, हम अपने बच्चों को और अपने आसपास के वातावरण को सुधारने की जिम्मेदारी है। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे ईश्वर को प्रणाम, और धनभागी हम लोग इतना सुंदर, इतना दिव्य, इतना भव्य कार्यक्रम जज साहब के सानिध्य में और हमारे फौजी भाइयों के सानिध्य में, यहाँ की कमेटी और प्रशासन के सानिध्य में, हमारे सभी लोगों के पूरे सहयोग के साथ इतना प्यारा, इतना सफलतापूर्वक हम कार्यक्रम कर पा रहे हैं। और यहाँ पर शक्ति की ध्वजा, ये किसी धर्म की नहीं, ये शक्ति की ध्वजा है, संगठन की ध्वजा है, पराक्रम की ध्वजा है। पराक्रम का सम्मान सदैव होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तपस्वियों का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया उनका सम्मान होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम आज उसी सम्मान के लिए खड़े हैं। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.